हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नया क्या है, खास क्या है, आइए आपको बताता हूं। यहां से आप फाइल पे जाइएगा, न्यू फाइल चूज कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा है और मैं यहां पर आ गया हूं। देख सकते हैं यहां पर ये एक कस्टमर की टेबल हमने डिजाइन की है, जिसमें हमें अभी कस्टमर का नाम देना बाकी है। तो यहां पर इसे मैं ले लेता हूं डिजाइन व्यू पर। राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे डिजाइन व्यू पर। जैसे ही डिजाइन व्यू पे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे आप कि इंप्लॉई का नेम दिया हुआ है, इंप्लॉई आईडी दी हुई है, लेकिन यहां पे कस्टमर का कोई भी डिटेल आपको नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हम कस्टमर की ही टेबल बना रहे हैं, तो ये जरूरी है कि यहां पर कस्टमर की भी डिटेल आए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कस्टमर्स नेम, ठीक है, या नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं। नेम ऑफ कस्टमर इज बेटर, तो यहां पे नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं। तो नेम ऑफ कस्टमर हो गया ये। और नेम ऑफ कस्टमर देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर आना है। ये जो है ना, यहां पर आइए। और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो लुकअप विजर्ड है आप यहां पे जा सकते हैं ड्रॉप डाउन क्रिएट कराने के लिए। फिलहाल मैं ड्रॉप डाउन नहीं क्रिएट कराने वाला हूं। तो इस तरीके से आप ये टेबल बना लेंगे। अब ये टेबल बन गई है। अब यहां पर डबल क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा व्यू पर, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आएगा। अब यहां पर कस्टमर का नाम हमने दिया नहीं है, तो यहां कस्टमर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। लाइक यहां पे एक कस्टमर का नाम लिख देता हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कस्टमर का नाम लिख दिया। फिर यहां पर आते हैं, फिर यहां लिख देते हैं कस्टमर का नाम, ओके। आप इनका एड्रेस वगैरह भी इसमें लेके आ सकते हैं, फिलहाल मैंने केवल कस्टमर की ही बात की है, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं एक और कस्टमर का नाम। तो ये कुछ कस्टमर्स के नाम भी हमने ऐड करा दिए हैं इसमें। और ये टेबल कौन सी है, कस्टमर टी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कस्टमर टी टेबल है। आप चाहे तो वैसे बना भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूं। और यहां पे आते हैं प्रोडक्ट की टेबल पर। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट की टेबल मैंने बनाई है। यहां पर इंप्लॉय का नेम है, तो इंप्लॉय का नेम तो हमको रखना नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट रख देते हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या रखना है आपको, नेम ऑफ प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको रखना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर नेविगेशन फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट रखा हमने। और यहां पर आने के बाद यहां देखिए ये प्रोडक्ट का नेम यहां पर आएगा, ठीक है, और उसकी प्राइस आएगी यहां पर। तो यहां पर आप चाहे तो इंडियन करेंसी भी सेट कर सकते हैं, फिलहाल यहां पे यूएस डॉलर आएगा, तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ता हूं इसको। यहां पर करेंसी ले लीजिएगा। करेंसी लेने के बाद यहां पर यूनिट प्रेस करता हूं मैं, यूनिट, ठीक है। अब ये जो है यहां पर क्या क्या सामान बिकेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई ग्रोसरी शॉप हो सकती है या कोई शॉपिंग मॉल होगा, तो यहां पर आप चीजों को डेसिमल में भी सेल करेंगे। मींस कि अगर आधा किलो की बात करें तो 0.500 kg ऐसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर इसको बनाना है और यहां से इसे कर देना है डबल, ठीक है। जैसे डबल करेंगे तो आप डेसिमल में भी लिख पाएंगे, अदरवाइज आप डेसिमल में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और फिर यहां पे कर देता हूं टोटल, यानी टोटल प्राइस की बात करेंगे कितना हुआ। तो ये लिख दिया मैंने टोटल प्राइस, ओके। तो ये लिख दिया टोटल प्राइस, ये भी हटा देते हैं, दोबारा आ गया। और यहां पर आकर के आप कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 2019 और 2016 आई थिंक 2016 से 2016 से ये फीचर आ गया है एमएस एक्सेस में। यहां पर आप जाते हैं तो यहां पर आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलता है। अब इसका फायदा क्या है कि आप टेबल में ही जब टेबल बनाएंगे उसी समय आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द टोटल प्राइस, प्राइस फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर प्राइस। तो प्राइस यहां पे लिख देते हैं, और प्राइस को लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही लगाते हैं तो फिर यहां पे लिख देंगे हम यूनिट। तो यूनिट भी लिख दिया हमने, और यूनिट लिखने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, ओके प्रेस करना है, ठीक है। ओके प्रेस कर दिया, आपका काम हो जाएगा। यहां पर टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट होकर आया आइए आपको दिखा देता हूं। यहां पर क्लिक किया मैंने और इसको कर देता हूं यस। जैसे ही यस करेंगे तो ये कह रहा है कैलकुलेटेड कॉलम इन दिस टेबल डिपेंड ऑन प्राइस। सो यहां पर देख सकते हैं जैसा कि काम आपका हो गया है। और यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे यहां पर आपको प्रोडक्ट्स की रेंज नजर आएगी। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट की रेंज है। अब यहां पे कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप और भी चीजें ले सकते थे वहां पर, तो मैं कीबोर्ड यहां पे ले लेता हूं। अब यहां पर प्राइस टाइप करते हैं, लाइक कीबोर्ड की प्राइस है 220 रुपए, बस यहां पे 220 लिखिए। मैंने कहा था कि डॉलर में आएगा क्योंकि हमने इंडियन करेंसी सेट नहीं किया, आप यहां पे इंडियन करेंसी भी सेट कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहां पे 5 कीबोर्ड की बात करते हैं, तो यहां पे अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा 5 जो कीबोर्ड है उसकी कॉस्ट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं लैपटॉप करते हैं, तो लैपटॉप की यहां 1 लैपटॉप की कॉस्ट आपको डालनी है, लाइक यहां पे 70,000 कर देता हूं। और 70,000 करने के बाद यहां पर 5 लैपटॉप हम अगर परचेस करते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आयोग की बात समझ में आ रही होगी आपकी। अब यहां पर इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद कस्टमर वाले टेबल पे आते हैं, ये कस्टमर वाली टेबल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहां पर हमें फॉर्म बनाना है। फॉर्म किस तरह का बनाना है, फॉर्म यहां सकते हैं,
या आप डायरेक्टली फॉर्म डिजाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं ब्लैंक फॉर्म पर, और यहां ये ले लिया हमने ब्लैंक फॉर्म, और यहां पे आ जाते हैं डिजाइन पर, ठीक है। डिजाइन व्यू में इसे ले लेते हैं। अब यहां पर आपको दिखाई पड़ी होगी शो टेबल, तो यहां पर आ जाइए शो टेबल पर, और मान लीजिए कि कस्टमर के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो यहां पे एम्प्लॉई आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉई नेम आ जाएगा, और यहां आ जाएगा नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, फॉर्म ये बन जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग्स वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल कस्टमर के नेम को यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, ठीक है, ये लेके आ गए हम यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करेंगे, और इसको फिर यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो ये हमारा कस्टमर का हो गया फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्म छोटा है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू अप्लाई द कलर, लाइक इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बैकग्राउंड पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो कोई और भी कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो कलर चूज करके, और यहाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कलर हमने अप्लाई कर दिया, इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये डेटा बोल्ड में चाहिए, डार्क में चाहिए, तो ये डार्क में कर लेंगे हम इसको। यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक कर देते हैं और ये ब्लैक हो जाएगा पूरा डेटा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आयोग की बात समझ में आ रही होगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉई नेम जो है छोटा नजर आ रहा था, तो इसको हमने बड़ा कर लिया। अब ये तो हमारा काम हो गया, ये फॉर्म बन गया। अगर आप इसमें बटन्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप बटन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। डिजाइन पे आपको जाना होगा और यहां से बटन क्रिएट कर सकते हैं आप। You can create buttons also. So I'm going to create one or two buttons here. So यहाँ पे देख सकते हैं record operation दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नया record add करना है तो उसके लिए आप button बना दीजिए यहाँ से जा करके। हम यहाँ पे text रखेंगे, picture नहीं रखेंगे, ठीक है। लाल मैं text रख देता हूँ और यहाँ पे click कर देता हूँ, और ये command 3 आ रहा है, तो ये एक add record का button यहाँ पे add हो गया। अब चाहे तो आप इस पर एक कलर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर लगाना चाहे तो बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज कर सकते हैं होम टैब में जा करके, और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। लाइक ये हमने ब्लैक कर दिया, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है उसे कर देते हैं व्हाइट। तो ये ऐड रिकॉर्ड का एक बटन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा बटन बनाना होगा, तो वापस से हमें जाना होगा कहाँ पे, डिजाइन टैब पे, और डिजाइन टैब पे जाने के बाद यहाँ पर आ जाइए, और फिर यहाँ पर वापस से इसको ड्रैग करवाइए। इस तरीके से आप ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरा बटन भी क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। अगर आप इस एप्लीकेशन में रहना चाहते हैं और भी चीजें करना चाहते हैं, लाइक सेव का बटन बनाना चाहते हैं, तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। यू कैन क्रिएट ऑल्सो द बटन ऑफ सेव, ओके। सो लाइक दिस यू कैन सी हियर, ये देखिए ये सेव का बटन भी हमने बना दिया। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, और यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करना होगा बटन का, तो यहाँ से जाकर के आप चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, यहाँ पे जाइए और ये चेंज कर दिया हमने बैकग्राउंड। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट कर देना है, ताकि हमें साफ साफ पता चलता रहे। ऊपर अगर आप हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं, टाइटल वगैरह देना चाहते हैं, तो यू कैन गिव ऑल्सो। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये हमारा फॉर्म सेव हो जाए, ठीक है। तो ये मैं कस्टमर एफ करूंगा, कस्टमर फॉर्म है ये, तो ये मैंने लिख दिया CUSTOMER कस्टमर, और फिर लिख दिया एफ, तो यानी कस्टमर एफ के नाम से ये फॉर्म सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। अब जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि लुक थोड़ा सॉफ्टवेयर जैसा आए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और काम करना होगा। यहां पर आकर के इसे डिजाइन व्यू पे लेकर के और प्रॉपर्टी शीट को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही प्रॉपर्टी शीट ओपन होगी तो आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। फिर यहां पर आ जाइए, आप ने फॉर्म बनाया है तो फॉर्म पे आ जाइए और यहाँ पर पॉपअप को यस कर दीजिए। जैसे ही पॉपअप को यस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लुक जो है आपका सॉफ्टवेयर जैसा आने लगेगा। ये देखिए, ये इस तरीके का आ जाएगा। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अगर किसी रिकॉर्ड को सेव करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट का भी बटन आप बना सकते हैं, जहां से मैंने बनाया वहीं से, ठीक है। फिलहाल इसको क्लोज करता हूं, सेव करता हूं। तो ये एक फॉर्म हमने कस्टमर एफ के नाम से बना लिया। अब हम बनाते हैं प्रोडक्ट के लिए फॉर्म, ठीक है। तो क्रिएट पे जाते हैं और यहां से हम चाहे तो ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं या फ्रॉम डिजाइन ले सकते हैं। तो फ्रॉम डिजाइन लेकर के इस बार दिखाता हूं। तो ये हो गया, और फिर अब क्या करना है, फ्रॉम डिजाइन पर तो हम आ गए, लेकिन अब इसमें बनाएंगे कैसे, ठीक है। बनाने के लिए एड एग्जिस्टिंग पे जाना है हमको, और इस बार हमें प्रोडक्ट की टेबल लेनी है। तो ये हम ले लेते हैं प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, और यहां पे करता हूं यूनिट, और यहां पे करता हूं टोटल प्राइस। तो ये सारी चीजें हमने ले ली हैं। हम चाहते हैं कि ये फॉर्म जो है थोड़ा शेप में आ जाए, तो ये कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। अब यहाँ पर इसको पूरे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, और इसको छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं,
नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। ओके, आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपके कि ये कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। यहां से सॉफ्टवेयर जैसा लुक देने के लिए आप फिर वापस से ऑन कर लीजिए प्रॉपर्टी शीट को। तो प्रॉपर्टी शीट आपको कहां मिलेगी, यहां पे मिल जाएगी। प्रॉपर्टी शीट डिजाइन पे क्लिक करते ही प्रॉपर्टी शीट आ जाती है, और यहां पर आपको करना क्या है, फॉर्म लेना है, और फॉर्म लेने के बाद पॉपअप को यस कर देना है, तो बस सॉफ्टवेयर जैसा लुक आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ये हो गया हमारा एमएस एक्सेस का एक और हमने क्रिएट कर लिया। इसमें बटन्स वगैरह लगाना चाहते हो तो नीचे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये दो फॉर्म हमने बना लिए हैं, दोनों ही को हमने सेव कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूं प्रोडक्ट एफ के नाम से, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट एफ। ठीक है, तो ये लिखा मैंने प्रोडक्ट और फिर लिखा एफ, तो ये हो गया प्रोडक्ट एफ। एंटर प्रेस किया, एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दो फॉर्म हमारे पास आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, एक और फॉर्म डिजाइन करना है। वी आर गोइंग टू डिजाइन अनदर फॉर्म एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन वर्टिकल टैब्स लेफ्ट, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको राइट में चाहिए तो राइट भी ले सकते हैं। यहां पे क्लिक किया हमने, जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा एड न्यू, दिखाई दे रहा है आपको। बस यहां पर आप चले जाइए, इसको डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं हम, और यहां पर आपको टाइप करना है फॉर्म का नाम। क्या टाइप करना है, फॉर्म का नाम। तो हमारे फॉर्म का नाम है, पहले फॉर्म का नाम है कस्टमर एफ, तो ये मैंने लिखा कस्टमर कुछ इस तरीके से, और फिर लिख देता हूं एफ। ध्यान रखिएगा कि नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कस्टमर वाला फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, देख सकते हैं ये कस्टमर वाला फॉर्म है। अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर जो दूसरा हमारा फॉर्म है उसका नाम टाइप करते हैं। लाइक यहां पे लिखता हूं मैं प्रोडक्ट एफ, तो ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और फिर लिखता हूं मैं एफ। ठीक है, और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यू कैन सी द रिजल्ट कि यहां पर वो नाम सारी डिटेल प्रोडक्ट वाली आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं प्रेस करता हूं एंटर और देखेंगे कि पूरी डिटेल प्रोडक्ट वाली आ रही है। तो इस तरीके से ये फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, आप व्यू भी चेंज कर सकते हैं। ये डिजाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आएगा। अगर आप कस्टमर ऐप पे जाएंगे तो कस्टमर ऐप वाला दिखाई देगा पूरा डिटेल। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो प्रोडक्ट्स वाली पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट्स वाली डिटेल है, ये कस्टमर एफ वाली है, प्रोडक्ट्स कस्टमर एफ। आपके पास 10 फॉर्म हो, आप 10 को एक साथ लेके आ सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।